74वीं आजादी दिवस मौके पर अज सुखविंदर सिंह सरकारिया कैबिनेट मंत्री तरन तारण विखे झंडा फहराने की रस्म अदा करन आए हैं। सरकारिया साहब, अज 74वां आजादी का दिहाड़ा है, कि अज तुसीं झंडा चढ़ाया है तरन तारण डिस्ट्रिक्ट दे विच? मैं सब तो पहलों मैं दस्सिया जी सारयां नूं अज दे शुभ दिहाड़े ते लख लख वधाई, और ये भी अगे अकाल पुरख अगे अपील करदा, बेनती करदा, अरदास करदा कि सच्चे पातशाह साडा मुल्क साडा सूबा इस तरह इतने अमन शांति रहे और तरक्की दियां राहां ते चले। सरकारिया साहब, एक त्रासदी का सामना असीं कर रहे हैं, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट दे विच काफ़ी मौतां हो गईयां सीगियां, उन्हां नूं सरकार ने मुआवजा भी देता, पर विपक्षी दल जिहड़े ने उन्हां नूं मुआवजा ज़्यादा दी मांग कर रहे ने, उन्हां नूं ना काफ़ी दस रहे हो मुआवजे नूं जो पंजाब। देखो मेरी गल सुनो, मैं एक उत्थे भी गल कीती आ, सानूं सारयां नूं दुख आ जिहड़ा इह घटना वापरी आ, और इहदे च कई अनमोल जानां जिहड़ियां मैं इत्थे अपने लैक्चर दे विच वी इह गल आखी आ कि चली गईआं। सूबा सरकार वल्लों मुख्यमंत्री साहब वल्लों ऐ मौके ते इह पहलों फैसला कीता गया सी कि इहनां नूं 1 लख रुपया मुआवजा दित्ता जावे, और बाद च 2 लख दा फैसला करता। मैं 2 लख रुपये आके कुछ पिंडां दे के भी गया सी उहनां दे परिवारां नूं, पर वो उदन ही शाम नूं मुख्यमंत्री साहब ने फिर खुद महसूस किया और वो मुआवजा जिहड़ा 5 लख करता, और आप इत्थे आए, इत्थे आके उन्हें अनाउंस किया। कुछ थावां ते 5 लख रुपया टोटल जा चुका है, बाकी अज जिहड़ियां पिंडां च कुछ जगह रह गईआं उत्थे अज मैं उन्हां नूं भी दे देना। इहदे नाल नाल मुख्यमंत्री साहब ये भी फैसला कर गए इत्थे कि जिन्हां दी अक्खां चली गईआं उन्हां नूं भी 5-5 लख रुपया दवां। विपक्षी दल बार बार मैं बेनती करनी चाहुंदा, मैं भी वेख्या कल बिक्रम सिंह जीठिए ने कोई 2-3 बंदे खिलार के उन्हां कोल इहो जिहियां गल्लां कराईआं जिहड़ियां बड़ी दुख लगदा है। इहो जे मौके ते सियासत करनी कोई शोभा नहीं दिंदी, इहो जे हुण मच्योर लीडर आ, हुण किहड़ा ओह बच्चा आ, और वह इहो जिहियां गल्लां करे जिहनूं सारा कुछ पता भी आ, उहनां नूं ही मैं तुहानूं वी इह गल कहनी चाहुंदा कि उहनां दी सरकार वेले वी कोई थावां ते माड़ी घटना वापरी सी, वह दस दिन उहनां किन्ना मुआवजा दित्ता सी, उहनां नूं पुछ लैणा चाहीदा सी तुहानूं कि उहनां ने उस वेले की दित्ता सी। असीं अज उन्होंने एक मैनूं इह वी बंदे दा पता लगा कि खिलार के उहदे कोल इह कहाया गया कि मैं प्राइवेट अपने फादर का इलाज कराया, उन्होंने भी कोई पैसा नहीं मिले, मैं अपने कोलों खर्च किया। मैं अज ही डीसी साहब ने गल की है, मुख्यमंत्री साहब उदन कह के गए थे कि कोई भी जिन्हों अखा खराब ने जे उन्होंने PGI भी लिया की लड़ पी है तो सरकार उन्होंने सारा इंतजाम करेगी, खर्चा करेगी, इतने भी सारा उन्होंने इंतजाम किया। साढ़े DC साहब SSP सारे इस काम से लगे से, सरकारी अस्पतालों तो उन्होंने इलाज कराया, पर मैं थोड़े जरिए जे किसी वीर ने प्राइवेट थान पर उहदा इलाज कराया अपने पेरेंट्स का, तो उन्हूं बेनती करूँगा कि इन्हां दीआं गल्लां च आ के इहो जिहियां चीज़ां शोभा नहीं देंदियां, आपां प्रेस दे अगे जा के इहो जिहियां गल्लां करिए, DC साहब नूं आ के दसो जिन्ना भी उन्हां दा खर्चा होया उह सरकार दो। COVID-19 दे चलदे दौर दौरान नवीं गाइडलाइन फिर पंजाब सरकार ने दर कर दित्तियां ने, 9 तों कुछ 5 बजे तक कर्फ्यू लगा। देखो मैं एक बेनती करा, इहदे च सानूं सारयां नूं सोशल डिस्टेंसिंग दी लोड़ है, और साडे लोक पंजाबी जिहड़े खास करके उस चीज़ नूं नहीं समझ रहे, और जिहदे करके तुहानूं पता गिणती वध रही है ए पेशेंट्स की, इस करके सानूं सरकार नूं कोई ना कोई नवीं चीज़ां होर गाइडलाइन देनियां पैंदियां, पर बेनती इहो आ कि इस माड़े समय दौर दे विच सारयां नूं सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो और अपने मूँह ते मास्क रखो, और तां कि ये जी बीमारी है दूजे तक ना फैल सके। इस सन कैबिनेट मंत्री सुखविंदर सिंह सुख सरकारिया जिहड़े अज तरन तारण विखे 74वें आजादी दिवस मौके झंडा लहराने की रसम अदा कर आए सन, उन्होंने एक गल साफ तौर पर की है जिहड़ी सियासत अज इस दिन इस दौरान की जा रही है, जिस दौरान जहरीली शराब के नाल वध तो बहुत मौतां होईयां सीगियां और पंजाब सरकार बंदा मुआवजा दे चुकी है, और सियासत जिहड़ी की जा रही है विरोधी धिरां वल्लों उत्थों उन्हां नूं बाहर जाना चाहिए, क्योंकि जिन्हां नूं मुआवजा दे चुकी है, जिन्हां नूं मुआवजा बनता है या जिहड़े मुआवजा लैण दे हक रखते भी ने, वह भी उन्होंने मुआवजा देन, DC साहब नूं मिलन जाके गल करन और उन्होंने भी मुआवजा दिता जाएगा, पर कुछ ही सियासत अकाली दल नूं ना करन दी उन्होंने इस मौके सलाह दी है। कैमरा परसन विपन दे नाल ज्योति बहल, दैनिक सवेरा TV, अमृतसर। क्या है परेशान, क्या आपकी समस्या का हल नहीं हो पा रहा, तो निराश ना हो। 17 बार गोल्ड मेडलिस्ट मियार रफीक मोहम्मद, जिनके पास है आपकी हर समस्या का हल, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर हो करियर से रिलेटेड या फिर हो लव रिलेशनशिप, आपकी समस्या का हल होगा 31 घंटों में। फिर देर किस बात की, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल करो और अपनी समस्या का हल जल्द से जल्द पाए। पठानकोट वासियों नूं बहुत ही बधाई, ये देश आजाद साडे आजादी गुलाटिया ने कराया सीगा,
असी आप निरंतर हो के इस लड़ाई दे नाल जिहड़ा हैगा वह भी लड़ना है और जिहड़ी आज़ादी सानू मिली है इस नू भी नाल दे नाल मानना है। मैं इस मौके ते सब नू वधाई दिंदा। जय हिंद। 15 अगस्त वास ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭੋਆ ਕੁਆਂਸੀ ਚੁਆਂਸੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਸ।